Namaste. Namaste. Welcome to Japan. ये क्या टेक्नोलॉजी है भाई? एंट्री एग्जिट के लिए देखो, कोई कार्ड वगैरह कोई स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपका फेस आईडी से ही आप एंटर या एग्जिट कर सकते हो ट्रेन स्टेशन में। वाह, अगर आपको जापान में एक या दो शहर ही एक्सप्लोर करना है जैसे कि टोक्यो और ओसाका, तो आप ये जापान रेलवे पास नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तीन चार सिटीज करते हैं ना, हाईली रिकमेंड, बहुत सस्ता पड़ेगा। क्या बात है, हेलो किटी ट्रेन के दर्शन हो गए, और इसका बाथरूम तो देखो मस्त है ना। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में जापान सीरीज के। आज हम टोक्यो को अलविदा करके जा रहे हैं ओसाका, एक और बेहतरीन सा शहर है जापान का। इनफैक्ट बैग वैग भी रेडी है ना, सुबह का वक्त है, टोक्यो के हॉस्टल से हमने चेकआउट भी मार दिया है। टोटल 5 रात रुके थे, 1 रात एक्सटेंड करा। एनीवेज अगर रेट की बात करूँ तो आपको पता ही है कि 3,500 प्रतिदिन का दे रहा था, कितना हो गया 17,500 5 रात का भरा है। महंगा है ससुरा टोक्यो, है ना। तो ये मैं पहुंच गया हूँ टोक्यो के रेलवे स्टेशन पे, और सच कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि जो बुलेट ट्रेन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वो जापान की तो पहली दफ़ा मैं करने वाला हूँ, मतलब जापान के फर्स्ट बुलेट ट्रेन में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। लेकिन जो मेरा सीट है ना वो है फर्स्ट क्लास का, जी हाँ, ग्रीन पास, बिकॉज ये जो मैंने जापान रेलवे पास कराई अब वो होती क्या है, बहुत काम की चीज़ है अगर आपको जापान ट्रैवल करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने जापान रेलवे पास का एक्टिवेशन कराया, 7 दिन का पास लिया था, कुछ 10 दिन पहले पास लिया था, खरीदा था ऑनलाइन, जो कि JR पास आप डालोगे गूगल में उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से मैंने 24,000 इंडियन रुपीज़ या फिर आप कह सकते हो 300 US डॉलर से थोड़ा ही कम ये मेरे को पड़ा है। 7 दिन का अनलिमिटेड मैं बुलेट ट्रेन यूज़ कर सकता हूँ, ग्रीन पास। ग्रीन पास मतलब फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास का डब्बा रहता है ना वही, और जो ऑर्डिनरी डब्बा जहाँ पे आपको रिजर्वेशन सीट तो मिलती है वो 18,000 रुपये के आसपास। मैंने सोचा कि यार 6,000 एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हर ट्रैवल जर्नी में मेरे को अगर फर्स्ट क्लास अनुभव करने मिले तो क्या ही खोटा, इस दफ़ा 6,000 एक्स्ट्रा डाल ही देता हूँ। तो मैंने 24,000 की टिकट ली थी और FedEx से 2 दिन में मेरे को वो डिलीवरी हो गई घर पे, JR की पास की रिसीट। वो JR पास की रिसीट में 2 दिन पहले अभी टोक्यो रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पे मैंने रिडीम करा दिया, एक्टिवेट करा दिया 7 दिन के लिए। तो यहाँ पर मुझे जो आया था मेरे घर बॉम्बे में FedEx से JR पास, वो मैं रिडीम कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि आज रिडीम कर रहा हूँ तो आज की ही तारीख से करूँ, मैंने 3 दिन बाद की कराई है, 7 दिन तक वैलिड रहता है, तो 7 दिनों का मैं अभी से ही बुकिंग कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो ऑफिस है ना JR पास का, टोक्यो रेलवे स्टेशन या फिर शिंजुकू मेन रेलवे स्टेशन, कोई भी रेलवे स्टेशन में जहाँ पे जापानीज रेलवे जाती है छूटती है वहाँ आप करा सकते हो, नरिता एयरपोर्ट से भी करा सकते हो। तो जब भी आप रिडीम कराओ तो एक ही जर्नी की आपको टिकट ये देंगे, बाकी का जो भी है आपको बाहर मशीन से करवाना पड़ेगा। तो आइटनरी उस हिसाब से बना के रखना कि बाबा ये तारीख को मैं ओसाका जाऊंगा, ये तारीख को ओसाका से हिरोशिमा जाऊंगा, ये तारीख को हिरोशिमा से कहीं और जाऊंगा, फिर टोक्यो आऊंगा, उस तरीके से, ठीक है। अगर आपको जापान में एक या दो शहर ही एक्सप्लोर करना है जैसे कि टोक्यो और ओसाका, तो आप ये जापान रेलवे पास नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 3-4 सिटीज करने हैं ना तो हाईली रिकमेंड, बहुत सस्ता पड़ेगा। क्योंकि हर बार आप 6,000-5,000 क्यों ही दो ना, इससे अच्छा इकोनॉमी क्लास लेना है तो 18,000 रुपया लगेगा, और ग्रीन कार लेना है जो कि फर्स्ट क्लास होता है तो लगेगा 24,000 रुपये के आसपास। लेकिन वही बात है ना, जो मर्जी जितना मर्जी आप 7 दिन में, आइटनरी उसी हिसाब से ही बनाने का। मान लो 14 दिन का आपका ट्रिप है जापान का, तो स्टार्टिंग के 4 दिन, लास्ट के 3 दिन टोक्यो में रखने का, और बीच के 7 दिन इधर से उधर उधर से इधर करते रहने का, लास्ट में टोक्यो आ जाने का, और आपका पैसा वसूल हो जाएगा। ये जो जापान रेलवे पास है ये सब बार कोड पे ऐसा स्कैन करने का, तो ये आ गया। अब पासपोर्ट नंबर डालना है, अभी आपको वही डिपार्चर स्टेशन आपका कौन सा है, जैसे कि मैं शिन टाकाओका से जाऊँगा टोक्यो अंत में, ठीक है। ग्यारह बजे के आसपास, ठीक है, ये मैंने सर्च मार दिया, ये देखो आ गई, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरे पास ग्रीन कार है, ग्रीन कार, लेट्स से विंडो सीट, ओके,
सो ये होती है मेन जापान की पास, ये हर जगह मैं स्कैन करता हूँ और तभी मेरे को एंट्री मिलेगा, ये सबसे मेन है। और ये टिकट है टोक्यो से ओसाका की, ठीक है। और ऐसे मैंने बहुत सारी टिकट निकाल दी है अलग अलग दिन की, तो जापान रेलवे में हर ट्रेन इंक्लूडेड नहीं है। नोजोमी और मिजुआ ये दो बुलेट ट्रेन से जो इंक्लूडेड नहीं है, जो कि बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है, वो जापान रेलवे में आप यूज़ नहीं कर सकते, अलग से टिकट लेनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी ट्रेन है ना, हिकारी, सकुरा, हायाबुसा, कोडोमा, ये सब बुलेट ट्रेन कंपनीज के नाम है जापान में, कोई प्राइवेट होगी कोई पब्लिक होगी आई डोंट नो, बट ये सब में आप ट्रैवल कर सकते हो। और कोडोमा 849 बहुत स्पेशल ट्रेन है जापान में, बिकॉज वो हेलो किटी ट्रेन है और वो जाती है ओसाका से हिरोशिमा। तो हम जब ओसाका से हिरोशिमा जाएंगे तब हम वो ट्रेन का अनुभव करने वाले हैं। एनीवेज अभी 10:33 की ट्रेन है मेरी ओसाका की, आप देख सकते हो हिकारी 639 10:33 शिन ओसाका, ठीक है। और ये रही वो टिकट, टिकट कोई काम की नहीं है, टिकट मेरे हिसाब से अंदर चेक होगी जब कंडक्टर चेक करेंगे। जो ये बारकोड है ना, ये बहुत मेन है, यही मेरे को हर जगह एंट्री और एग्जिट दिलाएगा। वैसे तो आप मेरे सामने भी बुलेट ट्रेन देख सकते हो, इस तरफ भी बुलेट ट्रेन तो देख सकते हो, लेकिन हमारी बुलेट ट्रेन आने में 20 मिनट और है, 10:13 हुआ है और 10:33 की ट्रेन है। अब मेरे हिसाब से यही से छूटती है टोक्यो स्टेशन से और सीधा 3 घंटा लगाएगी पहुंचाने में ओसाका। यहाँ से ओसाका है 500 किलोमीटर के आसपास। तो अभी हो चुके हैं 10:18, मतलब अभी भी 15 मिनट बाकी है, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ये क्लीनिंग स्टाफ जाएगा अंदर, क्लीन करेगा और उसके बाद ये बाहर आएगा, फिर हमें जाने मिलेगा। ये देख सकते हो बहुत सारे पैसेंजर्स लोग हैं बैग के साथ ऐसे ही बाहर खड़े हैं। अगर मैं इसके टिकट फेयर की बात करूँ तो ऑर्डिनरी आपको मिल जाती है 4,500-5,000 इंडियन रुपीज़ और ये ग्रीन का 7,000 रुपया इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो जाहिर सी बात है अगर आप JR पास लेते हो और सिर्फ 2 सिटी से ज़्यादा अगर करते हो आप जापान में, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ। और मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपको JR पास मिल सकता है, प्रोसेस क्या है उसका। पहले रिसीट मिलती है घर पे, आपको आएगी डिलीवरी फी, उसके बाद टोक्यो रेलवे स्टेशन वगैरह, कभी भी आप 2 दिन पहले जाना, जब भी आपको ट्रैवल करना है ना 2 दिन या 1 दिन पहले जाना और वहाँ फिर एक्टिवेट कर देना, फिर टिकट सब लेते रहना। ये देखो बॉस अपन ने कितनी टिकटें ली है, हाँ 24,000 में, और आधे से ज़्यादा ग्रीन कार ही है सब, बिकॉज हर ट्रेन में ग्रीन कार नहीं रहता। पूरा मज़े करेगी अभी 7 दिन। यह आ गया है नागोया स्टेशन, यहाँ से अभी और 1 घंटा लगाएगी, 3 मिनट रुकेगी गाड़ी, 1 घंटा और लगाएगी, फिर पहुँच जाएगी हम ओसाका। नागोया भी बहुत खूबसूरत शहर है, मेरे आइटनरी में ये शहर भी इंक्लूडेड है। एनीवेज अगर ट्रेन वगैरह की बात करूँ ना, एक चीज़ मेरे को खटकी है, मतलब क्या है ना कि स्मोकिंग रूम बनाया है इन्होंने, लेकिन गर्म पानी की मशीन वगैरह नहीं है जो रशिया में ट्रेनों में थी, जो चाइना के ट्रेनों में थी, वो यहाँ जापान के ट्रेन में नहीं है कि भाई गर्म पानी की मशीन, ताकि क्या आप गरम पानी कप में ले सकते हो, यू नो रेडी टू ईट वगैरह बना सकते हो। बाकी तो ऐसा मिनी किचन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए कुछ नहीं, आई मीन पैसेंजर्स यूज़ नहीं कर सकता। और किटली वगैरह भी है, लेकिन जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि इसमें हॉट कॉफ़ी है, हॉट वाटर नहीं है, हॉट वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब वही बेच सकते हैं ये लोग कुछ, लेकिन ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि ग्रीन कार में ना कुछ कुछ ट्रेनों में फ्री स्नैक्स, फ्री जूस वगैरह होते हैं, इस ट्रेन में नहीं है, हो सकता है आने वाले जर्नी में हमको मिले। भाई मैंने ये 140 yen यानी कि हो गए 85 रुपीज के आसपास की पानी की बोतल खरीद ली है 500 ml की। नमस्ते, वेलकम टू जापान।
तो ये हम पहुंच गए हैं लगभग शिनोसा का, एक मिनट में आई रहा है स्टेशन। और ससुर अब पूरा डब्बे में हम अकेला है अभी, क्योंकि सारे लोग क्योटो ने उसके पहले वाले स्टेशन में सब उतर गए बाबा, पूरे डब्बे में अभी अकेला हो गया मैं। तो ये हम आ चुके हैं शिनोसा का, टाइम पे पहुंची है, सिर्फ 2 मिनट लेट है। अरिगातो टाटा। यहाँ पे जापान में रेलवे स्टेशन्स, मेट्रो स्टेशन्स में ना दुकानें इस तरीके से होती है कि यू नो आप बाहर से उठा सकते हो कुछ भी, फिर वहाँ लाइन लगा के अंदर पेमेंट करना रहता है। ऐसा चाहे तो मतलब कोई भी उठा के भाग सकता है। अब यहाँ से मुझे जाना है JR नाम्बा, बेसिकली वो 35 मिनट की दूरी पर है शिनोसाका से, और वहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह बहुत बढ़िया है, अट्रैक्शंस भी नज़दीक है ओसाका के, तो इसलिए मैंने सोचा कि हॉस्टल वही बुक किया जाए। और ये JR पास में इंक्लूडेड है, जो 7 दिन का पास है ना मेरा, तो ये लाइन भी इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा लगने नहीं वाला है। तो अभी बस वो ट्रैक ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ से ट्रांसफर कैसे हो और कैसे वो लाइन पकड़ू ताकि मैं पहुंच जाऊँ 35 मिनट बाद नाम्बा। ये रहा JR नाम्बा तो दिख गया मेरे को, प्लेटफॉर्म 7-8, लेकिन ओसाका स्टेशन से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये शिनोसाका है तो उसके लिए मेरे को पहले तो ओसाका जाना पड़ेगा जो कि 5 मिनट की दूरी पर है, उसके बाद वहां से 7 और 8 प्लेटफॉर्म से मेरे को मिल जाएगी JR नाम्बा के लिए। ठीक है चलो। क्या बात है, हेलो किटी ट्रेन के दर्शन हो गए। और इसका बाथरूम तो देखो मस्त है ना, मतलब जो किटी लवर है ना, हेलो किटी लवर, उनको तो मजा ही आना है ना। ये खिचु 5 मिनट के राइड के लिए हेलो किटी ट्रेन मिल गई, सोचा भी नहीं था मैंने, ओसाका तो आ ही जाएगा 5 मिनट में एनीवेज। लेकिन ये ट्रेन की टिकट है अपनी परसू की, जो कि मेन कोच जहाँ पे पूरा हेलो किटी से भरपूर सजावट है ना, वहां परसू जाने वाले ये ट्रेन में हिरोशिमा ओसाका से, तब मजा आएगा ये ट्रेन में है ना। मिलते हैं परसों। अल्ले ले 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 ले। ये क्या टेक्नोलॉजी है भाई, एंट्री एग्जिट के लिए देखो, कोई कार्ड वगैरह कोई स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपका फेस आईडी से ही आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो ट्रेन स्टेशन में। वाह क्या क्या बना है लोग ने यार। ये अगर ओसाका की बात करूं तो आप देख लो कितना सिस्टमेटिक है, मतलब 9-10 प्लेटफॉर्म जाना है तो ये रहा, 1-2 आगे है, 3-4, मतलब सारे डायरेक्शंस भी बताए गए हैं, और चलने में भी अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है ना, जो कंस्ट्रक्शन है मस्त सिस्टमेटिक बताया, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। हाँ जी गाइस, तो ये हम आ चुके थे अपने हॉस्टल 2-2.5 घंटे पहले, और फिर रेस्ट वेस्ट किया, इनफैक्ट ये भाजी वाजी बना के खाकरे के साथ खाया। और देख लो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर है हॉस्टल का, ऊपर रूम है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बढ़िया चीज़ है, आई मीन ऐसा खिड़की वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा जानेगा। एंड ये देख लो बाहर की गैलरी इस तरीके से, और उस तरफ फिर रिवर है, मैं आपको रूम से दिखाऊंगा, रिवर बहुत अच्छा दिखेगा। ये देख लो रिवर का नज़ारा रूम से, प्यारा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। ये रहा रूम, रूम इतना प्यारा नहीं है, आई मीन ओके सा है, रेट की अगर बात करो तो 2400 रुपया इंडियन करेंसी प्रति रात दे रहा हूँ, 3 रात के लिए बुक किया है। ये रहा मेरा बेड, इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना अभी उधर से आया ना मैं, वो महंगे वाले से टोक्यो से, तो थोड़ा अभी ये कम अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है, व्यू वगैरह बढ़िया है। अभी 1 घंटा और आराम करते हैं, आई मीन थोड़ा काम वाम भी निपटा लेता हूँ, फिर निकलते हैं बाहर शाम में ओसाका को एक्सप्लोर करने, फर्स्ट डे ओसाका को एक्सपीरियंस करने। मैं बाहर ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी दिखती है वो शूट कर रहा था, जैसे कार वगैरह हो गई है, भाई साहब दिखे बोले कि हेलो, बोला हेलो, बोला का वेर आर यू फ्रॉम, मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, इन्होंने बोला कि यूट्यूबर, मैंने बोला यस, तो इन्होंने बोला कि आ जाओ मेरा ये सैलॉन है, मैं बोला क्या बात कर रहे हो सैलॉन है, बोला देख लेता हूँ क्या ही दिक्कत है, इन्होंने कहा कि ये भी शूट ले लो, मैं बोला ठीक है ले लेता हूँ, मैं बोला मेंस हेयर कट कितने का है, मैं बोला पूछ तो लूँ, मेरे ऐसे भी बाल बड़े हो गए, मैंने कहा कि सस्ता होगा तो कटवा दूंगा, इन्होंने कहा 6050 येन,
मैंने कहा रहने दो भाई, 3,500 रुपए का बाल नहीं कटवाना, इतना नहीं कटवाना है मेरा।